अध्याय चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग। विवस्वते योगं प्रो परंपरा प्राप्तम् इमं राजश्रयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तपः स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं येतदुत्तमम्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस अविनाशी योग को मैंने कल्प के आदि में विवस्वान को बताया था। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को इसे बताया और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु हे परम तप, इस योग का ज्ञान कालांतर में पृथ्वीलोक से प्रायः लुप्त ही हो गया था। वही प्राचीन योग मैंने फिर से तेरे लिए कहा है, क्योंकि तू मेरा परम भक्त है तथा प्रिय मित्र है, और साथ ही ये योग भी उत्तम रहस्य रखने वाला है। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे तद्विजानीयाम् त्वाम् आदौ प्रोक्तवानिति। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वित्थ परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अर्जुन ने कहा, हे भगवन, आपका जन्म तो वर्तमान है और विवस्वान का जन्म पुरातन काल का है, तो मैं कैसे समझूं कि आपने आदिकाल में ये ज्ञान उसे बताया था? श्री भगवान ने कहा, हे परम तप, तेरे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, उन सब को मैं जानता हूं किंतु तू नहीं जानता। मैं अजन्मा और अविनाशी आत्मा तथा सर्व प्राणी मात्र का ईश्वर हूं, फिर भी अपनी प्रकृति को स्वाधीन रखते हुए अपनी ही माया शक्ति से बार बार जन्म लेता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, जब जब धर्म में हानि करने वाली शिथिलता और अधर्म में प्रबलता फैलती है, तब तब मैं स्वयं अपना सृजन करता हूँ। सज्जनों की सुरक्षा के लिए तथा दुष्ट जनों के विनाश के लिए और साथ ही धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं समय समय पर युग युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोध मन्मया बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे इस दिव्य जन्म तथा दिव्य कर्म को इस प्रकार सच्ची तत्व दृष्टि से जान लेता है, वो ज्ञानी शरीर त्याग के बाद अर्थात मृत्यु के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, वो तो मुझे ही प्राप्त होता है। और हे अर्जुन, पहले भी काम राग भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मेरे ही में लीन बने हुए, मेरी ही शरण में आने वाले ज्ञान रूपी तप से पवित्र बने हुए कई लोगों ने मेरी ही स्थिति को प्राप्त कर लिया है, अर्थात जो कुछ मैं हूं वही वे बन गए हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति
न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्म भीर न सबध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। जो मनुष्य जिस प्रकार से या जिस श्रद्धा से मेरा आश्रय लेता है वैसा ही फल मैं उसे देता हूं। हे पार्थ, मनुष्य हर प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो मेरा तत्व ज्ञान नहीं जानते और इहलोक में कर्म के फलों की चाहना रखते हैं वे इसके लिए देवताओं का पूजन करते हैं। इस संसार में कर्म सिद्धि शीघ्र ही प्राप्त होती है। मैंने गुण तथा कर्म के विभाग के अनुसार चार वर्णों की व्यवस्था का निर्माण किया है। यद्यपि मैं इसका सर्जक हूं फिर भी तू यह अच्छी तरह जान ले कि मैं तो अविनाशी कर्ता होते हुए भी न कोई कर्म करता हूं न मुझ में इसके कारण कोई परिवर्तन आता है। कोई कर्म मुझे घेरते नहीं क्योंकि कर्म फल में मेरी कोई आसक्ति नहीं। इस प्रकार से जो भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं वो कर्मों के बंधन में नहीं आते। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने ये सब जानते हुए भी कर्म तो किए ही थे। इस प्रकार जैसे प्राचीन काल में पुराने लोगों ने किया उसी प्रकार तू भी कर्म कर। किम कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभा। कर्मणो यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्म कृत्। क्या कर्म है और क्या अकर्म है इस विषय में तो बड़े बड़े ज्ञानी भी चकरा गए हैं। मैं तुझे ये बताता हूं कि कर्म क्या है वो जानकर तू अशुभ से बच जाएगा। हर मनुष्य को चाहिए कि वो कर्म और अकर्म दोनों के मूल तत्व को जान ले क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म को देख लेता है वो मनुष्यों में बुद्धिमान है वही योगी है और संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्पवर्जिताः नानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि
नैव किञ्चित् करोति सः। जिस मनुष्य के कार्यों का आरंभ कामना तथा संकल्प से रहित है और जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि में नष्ट हो गए हैं, उसे ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं। जिसने कर्मफल की आसक्ति का पूर्ण त्याग किया है, जो सदा तृप्त है और अन्य के आश्रय के बिना ही यानी अपनी आत्मशक्ति से ही रहता है, वो कर्म में प्रवृत्त होकर भी कोई कर्म नहीं कर रहा। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यत्रुच्छा लाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमात्सरा समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जिसने कोई इच्छा न रखते हुए और अंतःकरण का नियंत्रण करते हुए सर्व भोगों के साधनों का त्याग किया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करते हुए भी पाप का भागी नहीं है। जो सहज प्राप्त वस्तु से संतुष्ट है, सुख दुख आदि के द्वंद्वों से ऊपर उठ चुका है, जो सफलता या विफलता में संबुद्धि से रहता है, वो कर्म करके भी बंधन में नहीं पड़ता। जो आसक्ति रहित व ज्ञान में स्थित चित्त रखने वाला है और जो यज्ञ के लिए ही कर्म करता है, उस मुक्त पुरुष के कर्म संपूर्णतया विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्महवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञम् ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुवति। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि च परे आत्मसंयमयोगाग्नौ यज्ञ कार्य में अर्पण की क्रिया ब्रह्म है। हवन में अर्पित की जाने वाली वस्तु भी ब्रह्म है।
ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म ने हवन किया है। इस तरह जिसकी बुद्धि में सर्व कर्म ब्रह्म रूप हुए हैं वो ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। कोई कर्मयोगी देवताओं के संबंध में यज्ञ करते हैं तो कोई ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ द्वारा यज्ञ का ही यजन करते हैं और कोई श्रोत्र आदि इंद्रियों के संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। अन्य कोई शब्द आदि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। फिर कोई ज्ञान से प्रज्वलित आत्म संयम रूपी योगाग्नि में सर्व इंद्रिय कर्मों का तथा प्राणों का हवन करते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञाः योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुहति प्राणम् प्राणे पानम् तथा परे प्राणापान गति रुत्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतं भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे अन्य कुछ लोग अपनी भौतिक संपत्ति को या अपनी तपस्या को या अपने योगाभ्यास को यज्ञ के रूप में समर्पित कर देते हैं, जबकि और लोग जिन्होंने मन को वश में कर लिया है और कठोर व्रतधारी हैं अपने स्वाध्याय तथा ज्ञान को यज्ञ के लिए अर्पित कर देते हैं। अन्य कई लोग अपान में प्राण का और प्राण में अपान का यज्ञ करते हैं तथा कोई दूसरे प्राण तथा अपान की गतियों को रोककर प्राणायाम में तत्पर रहते हैं। कोई लोग आहार को नियमित करके प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं। ये सब लोग यज्ञ को जानने वाले और यज्ञ द्वारा अपने पापों का अंत लाने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ संपूर्ण करने के बाद बचे हुए अमृत का भोजन करने वाले ये लोग सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं और जो व्यक्ति यज्ञ ही नहीं करता
उसके लिए ये संसार सुखदायी नहीं है, फिर परलोक का तो कहना ही क्या। इस प्रकार वेद की वाणी में अनेक प्रकार के यज्ञ विस्तार से कहे गए हैं। ये सभी यज्ञ कर्म से ही होते हैं, ये तू समझ ले। ऐसे ज्ञान से ही तू मुक्त हो सकेगा। हे परम तप, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, सर्व प्रकार के कर्मों का अंत ज्ञान ही है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् नानिनः तत्वदर्शिनः। यद्ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं व्यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यथैधांसि समित्थोऽग्ने भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परासंयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। अग्नश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। उस ज्ञान को गुरु से सविनय आदर प्रश्नोत्तर व सेवा द्वारा प्राप्त करो। तत्वदर्शी ज्ञानी लोग इस वर्ताव से प्रसन्न होकर तुम्हें इस ज्ञान का उपदेश करेंगे। हे पांडव, इस ज्ञान को प्राप्त करने से तू इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगा और इसी से सर्व प्राणियों को अपनी आत्मा में तथा मुझ में देखने लगेगा। अगर तू सर्व पापियों से भी अधिक पाप कर्म करने वाला होगा तब भी उन सब पाप कर्मों को ज्ञान रूपी नाव से उत्तम प्रकार से पार कर जाएगा। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि सब ईंधन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मसात कर देती है। इस लोक में ज्ञान के समान अन्य कोई पवित्र वस्तु नहीं है। इस ज्ञान को योग द्वारा उत्तम प्रकार से सिद्ध करने वाला पुरुष समय आने पर अपने ही आप प्राप्त कर लेता है। जिस व्यक्ति में श्रद्धा है और जो इस ज्ञान को पाने के लिए तत्पर है,
तथा जिसने इंद्रियों को पूरे संयम में ले लिया है वो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करने से उसे शीघ्र ही परम शांति भी मिलती है। परंतु जो मनुष्य अज्ञानी है, जो श्रद्धा नहीं रखता और हमेशा संशय युक्त होता है, वो तो नष्ट होकर ही रहता है। उसे इस लोक में या परलोक में भी सुख प्राप्त नहीं होता। योग सन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। तस्मादज्ञानसम्भूतं दुःखं ज्ञानासिनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। हे धनंजय, जिसने योग द्वारा सब कर्मों का त्याग कर दिया है, जिसने ज्ञान द्वारा सब संशयों को नष्ट किया है और अपनी आत्मा पर अधिकार कर लिया है, उसे कर्म से कोई बंधन नहीं रहता। इसलिए हे भारत, अज्ञान से उत्पन्न होने वाले इस हृदय के संशय को अपने ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर कर्मयोग का ही आचरण कर और युद्ध करने के लिए खड़ा हो जा। इति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विभाग योगो नाम चतुर्थोध्यायः।